हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं स्वस्थ हूँ, आशा है आप लोग भी स्वस्थ होंगे और हमारी डेली क्लास ले रहे होंगे और अपना होमवर्क भी आपको डेली करना है बच्चों, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने ये पढ़ा था 35 राज्य और वैमी संपूर्ण जो 5 भागों में बटी थी, कौन कौन से हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विरार और बिरार। लेकिन यहाँ के राजा बीजापुर और अहमदनगर के राजा ज्यादा ताकत पर थे। इन्होंने अहमदनगर ने विरार पर और बीजापुर ने विरार पर आक्रमण करके इनको राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया। और हमारे जो चैप्टर के अंदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम ये तीन बात के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अहमदनगर का पढ़ लिया, बीजापुर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा में क्या खासियत है, यहाँ का राजा कौन था, किस शैली का प्रभाव दिखाई दिया और इस शैली को भी किसका ज्यादा प्रभाव दिया गया, इसको ख्याति यानी फेमस किस वजह से गोलकुंडा। आप मानेगा वो गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है और वहाँ का गोलकुंडा फोर्ट आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप नेट भी सर्च करके देख सकते हैं। गोलकुंडा में एक सबसे बड़ी खासियत की जो फोर्ट किला है उसमें सबसे बड़ी खासियत है, आप सबसे वाले ऊपर मंदिर पर ताली बजाओगे तो वो नीचे जो बाहर मेन गेट है गोलकुंडा किले का, उसमें वो ताली की आवाज़ साफ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि ताली को हमारे बगल में ही बजाना है। यानी इस तरह के पहले राजा थे कि हमारा कोई आक्रमण करने वाला आ रहा है तो उन्होंने जो सुरक्षा कवच अपना बना रखा था, किले को किस तरह से बनाते थे कि हमारा सुरक्षा यानी हमें ऊपर सूचना देनी है, तो हमारे पास टेलीफोन नहीं थी उस वक्त, ना कोई तार था, व्यक्ति भी जाएगा दौड़कर तो बहुत देर हो जाएगी। इस वजह से उस तरह की वो टेक्निकल पॉइंट लगाते थे कि बाहर ताली बजाओगे दरवाजे पर, अगर कोई दरवाजे में ताली बजा दी तो वो ताली राजा के पास सुनाई देती थी और किस तरह सुनाई देती थी, जैसे कि वो बगल में ही बजा। यह हमारी गोलकुंडा की खासियत है। और ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद जगह पर ये हमारा गोलकुंडा स्थित है। इसकी हमें सबसे बड़ी सबसे ध्यान रखना है। अब इसका राजा कौन था? कुतुब शाह। गोलकुंडा का राजा कौन था? कुतुब शाह था। और इस पर शैली का जो प्रभाव था, क्योंकि हमें नाम से ज्ञान होता है कि मोमडंस था, और मोमडंस का प्रभाव जो भी पेंटिंग हमारी बनाई जाती है उनमें जब पूरी पेंटिंग में मुगलिया प्रभाव दिखाई देता है, मुगल यानी ईरान, ईरान का प्रभाव हमारे हर पेंटिंग में दिखाई देता है। और लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ कि इसमें क्योंकि हैदराबाद में हमारा टीपू सुल्तान का राज्य भी माना जाता है, टीपू सुल्तान मराठा था, इस वजह से इसमें मराठा का प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। दक्खन शैली तो है ही, दक्खन शैली पर ईरानी प्रभाव, लेकिन इसकी पेंटिंग पर खासकर मराठा का भी प्रभाव हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी ख्याति यानी फेमस किसने हुआ था, ये हमारा गोलकुंडा फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ हीरों का व्यापार होता था, हीरों की वजह से, हीरे यानी डायमंड, वो हीरो ने पिक्चर के हीरो डायमंड, डायमंड की वजह से ये हमारा गोलकुंडा प्रभावित हुआ था, फेमस हुआ था। किसकी वजह से? हीरो के लिए। अब प्रमुख चित्र कौन सा है इसमें? वीणा और स्त्री। इसमें प्रमुख चित्र जो हमारा चित्र के अंदर दर्शाया गया है, चैप्टर के अंदर दर्शाया गया है, जिसके लिए हमें वर्णन करना सीखना है, ठीक है। ये चित्र कहाँ पर संग्रहित है? डब्लिन के चेस्टर बेरी में। अभी आएगा वीणा और स्त्री जो पेंटिंग है वो कहाँ पर संग्रहित रखी हुई, यानी किस संग्रहालय में रखी हुई सुरक्षित, तो हम कहेंगे डब्लिन के चेस्टर बेरी में ये पेंटिंग रखी गई है, वीणा और स्त्री। अब प्रमुख ग्रंथ कौन है? क्योंकि हमारे हर ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ तो होता ही है हर समय के टाइम में, जैसे हमारे बीजापुर में था चांद बीबी पोलो खेलते हुए, और अहमदनगर में था कौन सा था? हुसैन साई, ठीक है। अब हमारे इसमें कौन सा? तुझके इसमें है के अंश से आसफी, तुझके एफ आसफी, ठीक है। ये आसफी है, ये हमारा कौन सा है? कौन ग्रंथ है? कब का है?
गोलकुंडा केसर है, ठीक है, राजा उत्तम शाह केसर है गोलकुंडा। अब हमारे अन्य चित्र भी है, ये तो हमारा मेन चित्र तक मैना उसकी जो हमारी किताब में पेंट है छपा हुआ, जिसको हमें पढ़ना है पेंटिंग के बारे में। लेकिन अन्य चित्र भी किस चित्र के, इसमें जो दरबारी राजा थे वो किस किस चीज के चित्र बनाते थे, जो कलाकार थे उमराव के, दरबारियों के चित्र बनाते थे, राग रागनाथ राग रागनी से संबंधित भी चित्र बनाते थे जो बहुत ही सुंदर लगते थे। राग रागनी के चित्र तो अपने राजस्थान में भी बनाए जाते हैं। इस तरह से राग राज के दरबारियों दरबारियों के चित्र बन, दरबारी में कौन आते जैसे मंत्री हैं अपने दरबाने राजा है और जो संतरी होते थे जो भी दरबारी वो होते थे दरबार के लोग होते थे उनके ऊपर चित्र चित्रकार में हुआ था प्रभाव का दिखाया जाता। और विशेषता इसकी क्या है, गोलकुंडा शैली में जितने भी हमारा चित्रण हुआ था वहाँ किसको प्रमुखता मिली थी, ज़्यादातर हमारे चित्रण के लिए ये माना जाता है जितनी भी पेंटिंग बनी उसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होता था, नारी चित्रण। ज़्यादातर अपने जो मुसलमान राजा थे वो नारी चित्रण नहीं किया करते थे, लेकिन अपनी गोलकुंडा की ये खासियत है जितनी भी चित्रकारी होती थी वो चित्रण नारी चित्रण कोई सब्जेक्ट लेके बनती थी, चाहे इर्द गिर्द ही बनती थी, ठीक है। इसके रंग तो वही है चटकीले रंग है, पद्धति कौन सी टेम्परा पद्धति, क्योंकि हमारे उस टाइम पर ज़्यादातर टेम्परा पद्धति के ही चित्रण कार्य होता था। कुछ प्रमुख ऑयल पेंटिंग वगैरह भी होने लगी, लेकिन ये 15वीं शताब्दी की बात है, ठीक है सर। बच्चों अब हमें एक बार आपको निवेदन करती हूँ, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में ज़्यादातर आपके कलाकार जो है मीर हासिम उवर, इस टाइम के जो कलाकार ज़्यादातर कौन कौन है बच्चों, मैं इस पेंटिंग के बारे में बताने के बाद कहूँगी कि जैसे मीर हासिम और रहीम इसके प्रमुख कलाकार रहे इस टाइम के। और पक्षियों में कवि समय ज़्यादा चित्रण हुआ है, पक्षियों का चित्रण हुआ है, नारियों का चित्रण हुआ है, हम कुल मिलाकर देखेंगे तो इस चैप्टर आज खत्म करते हैं कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे नारी चित्रण बहुत अधिक पाया जाता है। इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन आए बना लीजिए, जिसको ये मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।